गाइस अभी आया है दो प्लेट इडली सांभर का ऑर्डर तो चलो उसको बनाते हैं तो इसके बाद दो कप सूजी है तो मैं में दो बड़े चम्मच बड़े चम्मच मतलब ये वाला चम्मच इतनी में दही ले लूंगी नाउ इसमें मैं ऐड करूंगी साथ में पानी सूजी को थोड़ा सा ना थिक बैटर बनाना है और इस टाइम पे सूजी फूलेगी थोड़ी देर के लिए तो पानी अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्यों क्योंकि सूजी का पानी थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब भी करती है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम बैटर तैयार हो गया बच गया इस तरह का बैटर तैयार हो गया इसको भी हम रख देंगे ऐसे ही इसमें हम भी पानी मिलाएंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद हम दो तीन मिनट के लिए सूजी को सोख होने के लिए रख देंगे तब तक हम बाकी तैयारी कर लेंगे इससे ताकि का सामान निकाल लेंगे बर्तन गर्म होने को रख देंगे अब हम इसके अंदर डाल देंगे इनो और बचा हुआ पानी क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें ना लिक्विड ही बनाना है बहुत गाढ़ा है अभी तो पहले हम इसे थोड़ा पानी डालेंगे अब हम इसके अंदर इनो ऐड तो मिला देंगे इनो मिला कितना मिलाना है वो कैसे पता चलेगा आपका जो ये ये पेस्ट है ना ये जो बैटर है ना ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा फूला हुआ हो जाएगा और बहुत हल्का हो जाएगा आप चाहो तो इसमें नमक ऐड कर सकते हो लेकिन मेरे साफ वाले चटनी में, में इनफ नमक है तो मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ मोल्ड लेने हैं इनको ग्रीस करना है ऑयल या घी तो फिर अच्छे से ग्रीस कर लिया ऐसे तो भी मैंने आप लोगों से इडली की रेसिपी शेयर कर दी है अब मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में तो मैंने ऑर्डर पिकअप करवा दिया है अब राइडर चला गया ऑर्डर लेकर दो प्लेट इडली का था तो मैंने कहा चलो मुझे कमेंट भी आया था आज सुबह कि इडली की, की रेसिपी शेयर करो देखो आप अपना क्लाउड किचन खोल रहे हो तो आप Uh, अगर इडली या कोई भी कोई भी चीज़ कोई भी आइटम फूड आइटम है तो उसमें कोई ट्रेडिशनल रेसिपी नहीं होती है आप मॉडिफाई करके भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो कस्टमर को टेस्ट अच्छा लगेगा तो एक हो जाएगा ना आपकी ख़ुद की पर्सनल रेसिपी हो जाएगी ऐसा होता है तो अगर आपको कोई चीज़ आती है अपने तरीके से आती है वो भी अपने क्लाउड किचन पर डाल सकते हो ठीक है और वैसे भी आपको पता है हाँ नई नई डिशेज़ इन्वेंट होती रहती हैं ना तो हो सकता है कि वो आपका वाला मतलब बोलते हैं ना आपका वर्जन हो तो अगर कोई चीज़ आपको ऐसी आती है जो थोड़ी सी मॉडिफाई की हुई है आपने और लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा है क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छी लगेगी खाने में देखने में तो आप उसे भी अपने क्लाउड किचन में ऐड कर सकते हो आप उसको खुद से नाम दे सकते हो और पता है भी क्या हुआ इडली मैंने शाम से मतलब इडली और अप्पे के ज्यादा ऑर्डर्स आए और मैंने एकदम तो ध्यान नहीं दिया था कि इडली खतम वो सूजी खत्म होने वाली है मैंने अभी देखा तो उसमें जरा सी सूजी बची तो मैंने अभी स्विगी से ऑर्डर किया है सूजी आ, ये तो अच्छा है कि ब्लेंकेट तो मतलब रात में डिलीवरी नहीं करता मेरे एरिया में लेकिन स्विगी की भी डिलीवरी चालू है तो मैंने अभी ऑर्डर किया है तीन पैकेट मंगा लिए देखो कब तक आता है चौदह मिनट दिखा रहा है तब तक यहीं बैठ के वेट करती हूँ और वीडियो एडिट रही थी वो वीडियो एडिट कर लेती हूँ okay. आ, आ गई सूजी और मैगी मैगी मैं नहीं मंगाती लेकिन फिर ना पचास पचास रुपये शिपिंग चार्ज लग रहा था तो मैंने कहा फिर काम की चीज़ मंगा ली मैगी तो काम आती रहती है तो मैंने मैगी भी मंगा ली और दो पैकेट सूजी मंगा ली है हेलो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह सात बजे मेरे पास एक ऑर्डर आया था पाँच प्लेट इडली सांभर का ठीक है वो तो आया चलो आया अभी बज रहे हैं आठ और ये रखा है वो पैकेट जिसके अंदर पाँच प्लेट इडली सांभर है अब अब इमेजिन करो अब ये सुबह सात बजे ऑर्डर आया तो मैंने साढ़े सात तक तो रेडी कर दिया होगा और आठ बजने में अभी तीन चार मिनट बाकी है आधा घंटा हो चुका है घर पर ही है राइडर का टाइम दिखा रहा है बाईस मिनट अभी इस टाइम पर बाईस मिनट दिखा रहा है उसके यहाँ पहुँचने का अब मतलब और बाईस मिनट और अगर वो लेट होता है या कहीं ट्रैफिक में फंसता है या कहीं पर फंसता है तो हाफ एन आवर और मान लो तो मतलब लगा लो अभी ये एक घंटा और यहीं रहेगा क्या कर रहा है यार जोमेटो तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा का पचपन हो चुके हैं और अभी तक तो राइडर आया नहीं है और पता है वो वाला जो एरिया है ना वो वाला एरिया वहाँ पे पहले पेड़ थे आप मुझे देख रहे हो वो काफ़ी घने थे तो उनको ट्रिम कर दिया गया है तो अब यहाँ से मतलब मेरे यहाँ से उधर पूरा वो एरिया दिखता है क्योंकि बाहर मेन रोड से अगर आते हैं तो वो उधर से आते हैं और राइडर क्या करते हैं ना वो जो वाइट वाइट दिख रहा है उसके उस साइड चले जाते हैं तो मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि उधर नहीं जाओ भैया इधर आओ इधर 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 हेलो गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं रेनू और ऐसे यहां बैठ के धूप सेक रही थी फिर मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट किया जाए और कल रात को दो ढाई बजे के अराउंड एक ऑर्डर आया था जो था चिकन थाली का तो मैंने बना के दिया और पता है जब मैंने पैक कर लिया मैं मैंने रेडी मार्क कर दिया मैं बस बाहर मतलब बाहर की तरफ आने लगी तो कस्टमर का मेरे पास वो आता है या एक नोटिफिकेशन आता है कि ऑर्डर कैंसिल करना है तो जब ज़्यादा देर हो जाती है ना ऑर्डर को प्लेस किए हुए कस्टमर साइड से तो वो ऑर्डर को कैंसिल करने में कैंसिल ऐसे होता नहीं है वो कैंसिलेशन डालेंगे तो वो मेरे पास आएगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है ऑर्डर प्लेस किए तो मेरे पास आएगा कि क्या मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती हूँ और नहीं करती हूँ तो फिर उनको पे करना पड़ेगा चार्ज तो जब मेरा खाना पूरा तैयार हो चुका था मैंने ग्रेवी लगा दी थी चिकन में सब प्लस रोटी बना दी थी राइस बना दी थी पूरा पैक हो चुका था सैलड कट चुका था पूरा मेरा जो पैकेजिंग का मटीरियल है वो यूज़ हो चुका था तो वो मैं कैसे कैंसिलेशन एक्सेप्ट कर सकती थी जब मैंने कैंसिलेशन एक्सेप्ट नहीं किया और मैंने राइडर को दिया मैंने कहा भैया हो सकता है कि ये ऑर्डर कैंसिल हो जाए क्योंकि कस्टमर का कैंसिलेशन का जस्ट अभी तीस सेकेंड पहले मेरे पास नोटिफिकेशन आया था मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है तो राइडर ने बोला कि हो सकता है कि फिर वो ऑर्डर पिक की वो फ़ोन ही ना पिक करें लेकिन मेरे को भी जाना ही पड़ेगा वहां पर मैं जाकर देखिए अगर पिक हो जाता है तो ठीक है और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप इसे रख लीजिएगा आ, और आ, मैं क्या ही करूँगी उसको क्योंकि अब वो मेरे काम का तो है नहीं थर्सडे लग चुका है बारह मतलब दो बज गया तो थर्सडे लग ही चुका है थर्सडे हम लोग नॉनवेज खाते नहीं हैं तो अब ये मेरे काम का तो रहा नहीं तो आप एक काम कीजिएगा आप इसे रख लीजिएगा अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नहीं तो किसी से पूछ लीजिएगा रास्ते में जो नॉनवेज खाता हो उसे दे दीजिएगा तो उन्होंने कहा ठीक है और फिर ओ शेयर करना होता है कह रहे हैं ओ तो मुझे यहीं भी आके देना पड़ेगा लेना पड़ेगा आपसे तो मैंने कहा कोई बात नहीं मैं आपको व्हाट्सए कर दूँगी आप आस पास जब भी आएंगे ना मुझे बता दीजिएगा एक मिस कॉल दे दीजिएगा मैं आपको ओ टी कर दूँगी तो उन्होंने कहा ठीक है ये हुआ लेकिन थोड़ी देर बाद ऑर्डर पिक हो जाता है तो मैंने कहा चलो ठीक है वेस्ट नहीं गया या मतलब इतना सोचना नहीं पड़ा कि कौन खाएगा किसको देंगे क्या करेंगे वो नहीं करना पड़ा उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब उठी गई हूँ तो वीडियो एडिट कर लेती हूँ वीडियो एडिट करी मैंने और वीडियो एडिट करने में मुझे शायद चार साढ़े चार बज गए थे उसके बाद में फिर मैं थोड़ी देर जाके लेट गई और जब मैं लेट हुई तो स्विगी का एक ऑर्डर आया था ज़्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं छोटा ही ऑर्डर था वो मैंने किया और वो किया उसके बाद फिर मैं सो गई थी एक डेढ़ घंटे सोई होंगी सुबह फिर सात बजे के करीब एक ऑर्डर आया था तो जो कि बताया मैंने इडली वाला उसमें क्या सीन हुआ है लेकिन चलो हो गया वो पिकअप उसके बाद फिर तब से मैं जगी हुई हूँ क्योंकि उसके बाद दो तीन <coughs> दो तीन ऑर्डर्स आ गए थे पराठे वराठे वाले वो बनाने में फिर आठ साढ़े आठ हो गया था तो मैंने कहा अब क्या ही सोऊंगी और लड्डू की आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है उसे खांसी काफ़ी ज़्यादा हो गई बहुत एकदम कंजेशन हो चुका है तो मैंने उसे नेबुलाइज़ तो किया है लेकिन देखो और नेबलाइज़ के लिए मेरे पास जो मेडिसिन होती है ना वो ख़त्म हो चुकी है मैंने हस्बैंड को बोला है लेकर आओ तब तो जो वो लेकर आएंगे तब मैं उसको दोबारा से नेबुलाइज करूँगी तो उसे आराम तो मिल जाएगा बाकी गाइस बताइए आप लोग कैसे हैं क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में और लड्डू बुला रहा है वो पोती करके बैठा है वेट आती है को मैंने कितना सारा सामान मंगाया है अभी सांभर मेरे पास ख़त्म हो गया कल रात से तो कल शाम से तो सिर्फ सांभर ही सांभर के ऑर्डर आ रहे थे तो सांभर के लिए मैंने कद्दू और लौकी मंगाया है कद्दू येरा लौकी बोरा थोड़े से गाजर डालूंगी और थोड़े से शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ मैं वो मेरे पास रखे हुए हैं तो ये है साथ में फॉयल पेपर ख़त्म था तो मेरे हस्बैंड पूरा बड़ा सत्ताईस मीटर का रोल लेकर आ गया मतलब तीन चार महीने की फुर्सत है समझो है भी ये चार सौ रुपये का उसके अलावा कॉफ़ी उनको मिल नहीं रही है दो रुपये वाले सैशे तो पता नहीं कौन सी टाटा की कोई कॉफ़ी लेकर आए कह रहे ये ट्राई करके देखो मैंने कहा चलो ठीक है आ, पता है मैं दो वाला सैशे क्यों लेती हूँ उससे थोड़ा सा अंदाज़ा रहता है एक कॉफ़ी में दो सैशे जाते हैं तो ईजी तो मतलब हर बार सेम कॉफ़ी बनती है सेम लड्डू खास बहुत रहें तो हर बार सेम कॉफ़ी का टेस्ट आता है अगर कॉफ़ी कम ज़्यादा होती है तो कॉफ़ी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है ये हो गया और थोड़े से प्याज हो गए न आ, मैंने पोहा भी स्टार्ट किया तो पोहे में ना ऊपर से नमकीन डाल के खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़ा क्रंच आ जाता है तो मैंने इसका बड़ा पैकेट मंगा लिया है मटर कुलचे में भुना हुआ जीरा डालता है तो जीरा मंगाया है मैंने इसको भून के पीस के रख लूँगी इनो मंगाया है क्योंकि इ, आ, सूजी में कि मतलब जो भी चीज़ें हैं जैसे कि इडली हो गया अप्पे हो गया उसमें लगता ही लगता है काला नमक ख़त्म था दाल खत्म थी अरहर के लिए हाँ आई आटा खत्म था तो मैंने ये सब चीज़ें मंगा ली है और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं ये सब चीज़ें जो मंगाती हूँ ना वो अलग होती है मेरे घर की ग्रॉसरी अलग होती है मतलब अगर मैंने अपने घर के लिए आटा मंगाया है तो उसको मैं अपने काम में यूज़ नहीं करती हूँ अपने काम के लिए मैं अलग से आटा मंगाती हूँ तो इससे क्या होता है ना एक हिसाब के रहता है कि हाँ ये चीज़ें मैंने मुझे मैंने हफ्ते में इतनी यूज़ की है इतना खर्चा हुआ है तो घर की चीज़ें यूज़ कर लोगे ना तो हिसाब नहीं बन पाएगा कभी भी तो गाइज मैं पूरे दिन गायब थी मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया मन ही नहीं किया था और मैं भूल भी गई थी एक्चुअली लड्डू की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है ना तो उसको नेबुलाइज़ करना और उसका थोड़ा सा ध्यान देना उसी में मेरा पूरा दिन निकल गया और ऑर्डर्स सुबह के बाद मेरे पास ऑर्डर आए थे शाम को दो ऑर्डर आए थे एक था तीन कॉफ़ी का वो मैंने बना के दे दिया एक था पाँच वड़ा पाव का और वड़ा पाव का ऑर्डर आठ किलोमीटर दूर से था तो वहाँ पहुँचने में शायद राइडर को देर हो गई और उसकी वजह से कस्टमर ने ऐसा बोला है कि ऑर्डर काफ़ी डिले हुआ था इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया तो वो ऑर्डर कैंसिल हो गया लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे तो उसकी पूरी पेमेंट मिलनी ही मिलनी है तो ये हुआ उसके बाद फिर मैंने लड्डू की थोड़ी मालिश वालिश की उसको थोड़ा लाया और लाया फिर मैंने कहा चलो अब ब्लॉग एंड करते हैं लेकिन ब्लॉग तो बहुत छोटा सा बना है तो मैंने कहा चलो ठीक है आज मैं आप लोगों के एक दो क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ ठीक है तो पहले कंप्लेंट की बात कर लेते हैं मुझे कंप्लेंट आ रही है कई दिनों से वैसे मुझे कई महीनों से कंप्लेंट आ रही है कि आपके जो व्लॉग हैं उसमें आवाज़ का प्रॉब्लम है आप वॉल्यूम का प्रॉब्लम है आवाज़ बहुत धीमे आती है गाइस मैं भी जानती हूँ और मेरा जो ये फ़ोन है ना ये कोई बहुत अच्छा फ़ोन है नहीं बस काम चल रहा है मेरा इससे इसमें कई बार आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हो जाती है और कई बार आवाज़ बिल्कुल ही दब जाती है पता नहीं क्यों होता है मुझे खुद भी नहीं पता लेकिन ठीक है और मैं चाह चाहूँ तो मैं माइक ले सकती हूँ लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारी कमिटमेंट्स और हैं जिसकी वजह से मैं अभी चार पाँच हज़ार भी किसी कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ मैंने एक बार एक सस्ता सा मैंने माइक लिया था जो कि चला ही नहीं अमेज़ोन से और वो रिटर्न भी नहीं हो पाया किसी रीज़न्स की वजह से तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अब लूँ तो ढंग का लूँ वरना मैं ऐसे ही काम चलाती हूँ तो फ़िलहाल मैं अभी नहीं ले रही हूँ लूँगी मैं और जब थोड़ा सा हो जाएगा ना कमिटमेंट पूरी हो जाएगी थोड़ा सा कैश वैश कहीं से आ जाएगा अच्छा मतलब अच्छा पेमेंट आ जाएगा तब मैं ले लूँगी और मैं तब तक ट्राई करूँगी कि मैं अपनी आवाज़ ऊँची करके आप लोगों से बात करूँ नहीं पता क्या होता है मैं क्या करती हूँ जब मैं मैं ना अपनी जब ब्लॉग एडिट कर रही होती हूँ तो मैं हर क्लिप को का वॉल्यूम टू हंड्रेड परसेंट बढ़ा देती हूँ लेकिन समटाइम इतनी जल्दबाजी होती है मैं इतनी नींद में होती हूँ ना कि मैं वॉल्यूम बढ़ाना भूल जाती हूँ तब आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लेकिन जब मैं वो बढ़ जाती है, तब आपको ऐसा नहीं होता है आपको ठीक से आवाज़ आती है लेकिन मैं ध्यान रखूँगी आपसे कि आवाज़ बढ़ा कर ही मैं एडिट करूँ ठीक है तो ये थी कम्प्लेन जो कि मैंने बता दिया क्या रीज़न है क्यों हो रही है चलो दूसरा क्वेश्चन है कि आपका होम किचन जो है वो जोमैटो पर कैसे लिंक ऐड किया हुआ है ऑर्डर uh, आ गया था इसी वजह से तो मैं बात करती हूँ मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि होम uh, किचन को कैसे लिंक किया गया है लिंक किया है मैंने तो होम किचन को ही क्लाउड किचन बोलते हैं और क्लाउड किचन को लिंक करने के लिए जोमे मैट, जोमेटो या स्विगी पे यानी कि रजिस्टर करने के लिए हमको फूड लाइसेंस चाहिए होता है सबसे पहली चीज़ तो आपको फूड लाइसेंस बनवाना होगा आप खुद भी बना सकते हो या फिर आप किसी एजेंट से भी बनवा सकते हो खुद से बनाओगे तो सौ रुपये लगेगा और किसी और से बनवाओगे तो कम से कम तीन से चार हज़ार वो ले लेते हैं ठीक है उसके बाद सेकंड स्टेप आता है जब आपका फूड लाइसेंस आ गया आपके पास दैन उसके बाद आपको जोमेटो या स्विगी पे रजिस्टर करना होता है उसमें आपको आपकी सारी डिटेल भरनी होती है आपको आपका आईडी प्रूफ चाहिए होता है आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है फूड लाइसेंस चाहिए होता है और मेन्यू चाहिए होता है जो भी आप जोमेटो या आप स्विगी पर सेल करना चाहते हैं उस चीज़ का तो वो मेन्यू आपको आप खुद से बनाएंगे उसके लिए कई सारी ऐप मिल जाएंगी प्ले स्टोर पर वहाँ पर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करो जो फ्री हो वहाँ से आप मैं कैनावा यूज़ करती हूँ सी ए एन वी एन ए वी ए ठीक है उसमें मेन्यू आप सर्च करोगे तो बहुत सारे मेन्यू के ऑप्शन बन जा मिल जाएंगे उसे एडिट कर लो अपने अकॉर्डिंगली जो भी फ़ूड आइटम आप बेच रहे हो वहाँ से उनका हटा के आप अपना डाल दो प्राइस जो भी उनका है वो हटा के आप अपना कर दो तो इस तरह से मेन्यू बन जाता है वो मेन्यू आपको अपलोड करना होता है आई प्रूफ एड्रेस प्रूफ और फ़ोटो एक लगानी होती है मतलब अपलोड करनी होती है और बस मुझे इतना ही लगा था मुझे सदा कुछ नहीं बाकी बैंक डिटेल बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका आपके खुद के नाम का जिसके नाम का फूड लाइसेंस है क्योंकि वही जोमेटो पर रेस्टोरेंट का अपने क्लाउड किचन रेस्टोरेंट का ओनर बनता है तो बस ये सब फॉर्मेलिटीज़ करते हैं आप अपनी डिटेल फिल करते हैं नाम एड्रेस आपकी फुल डिटेल उस पर जाती है आपका लोकेशन प्रॉपर जाता है जिसमें मैप मैप आएगा मैप के ऊपर आपको अपने क्लाउड किचन का एग्जैक्ट एड्रेस मार्क करना पड़ेगा तो वो आपको करना होता है उसमें अगर मिस्टेक होती है ना तो राइडर को एड्रेस मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो जब भी वो मार्किंग करेंगे ना आप मैप पर वो ध्यान से कीजिएगा ठीक है और बस यही सब चीज़ें होती है बाकी उसमें एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना होता है जोमैटो पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप ऑन बोर्ड करते हैं आपका क्लाउड किचन लाइव हो जाता है जोमेटो या स्विगी पर ठीक है जब उसके बाद इसमें वीकली पेमेंट आती है मंडे से संडे की पेमेंट आपको वेटनेसडे रिसीव होती है तो जो पेमेंट आएगी ना उसमें उससे आपका चार्ज कटता है ऑन बोर्ड चार्ज बोलते हैं ऑन बोर्डिंग चार्ज बोलते हैं वो फी कटती है चार हफ्तों तक वन मतलब एक पर वीक कटती है तो ये चीज़ें होती है इसके अलावा कुछ भी नहीं है बहुत मुश्किल काम नहीं है ऐसे खुद से स्टार्ट करना आप चाहो तो कर सकते हो और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको इस मिल जाएंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी बाकी अगर आप बोलोगे तो मैं खुद से भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी सेपरेट जिसमें आपको फुल डिटेल होगी कि क्या करना है कैसे करना है क्योंकि मुझे भी एक फूड लाइसेंस और चाहिए Uh, किसी और के नाम से तो मुझे वो बनाना ही है तो अगर आप बोलोगे तो मैं वो बनाते टाइम पूरी क्लिप ले लूँगी वीडियो बना लूँगी तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी बस इतना ही करना है और बस फिर आप अपना जो भी है क्लाउड किचन वो जैसे ही आपका ऑन लाइव होता है आप वो स्टार्ट कर सकते हो बाकी uh, दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि न्यू का टैग कब हटा था वैसे ही न्यू का टैग हटने के लिए हमको सिक्सटी डेज़ का टाइम लगता है दिया जाता है कि सिक्सटी डेज़ के अंदर आपका न्यू का टैग हट जाएगा मतलब सिक्सटी डेज़ के बाद आपका न्यू का टैग हट जाएगा लेकिन मेरा शायद फोर्टी फाइव फिफ्टी डेज़ के अंदर अंदर ही न्यू का टैग हटकर वहाँ पर मेरी रेटिंग्स आ गई थी तो मतलब और पता है मेरा सारा काम बहुत जल्दी जल्दी होता गया जैसे कि फ़ूड लाइसेंस मेरा एक दिन में बन गया चौबीस घंटे में मेरा फूड लाइसेंस बनकर आ गया था और जोमेटो पर भी मेरा शायद दो दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया था ठीक है मतलब इतना जल्दी जल्दी काम चला है मतलब और पता है आपको जब मैंने अपना फूड लाइसेंस बनवाया ना मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ बस एक फ्रेंड को बताया था मैंने क्योंकि मेरी किटी निकली थी तो बस ये था उसने बोला शॉपिंग कर लो खूब सारी कुर्तियाँ खरीद लो मैंने कहा नहीं देखते हैं तो फिर मैंने उसी को बताया था मैंने सोच रही हूँ कि क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए उसको मैंने हेल्प बताया था मैंने हस्बैंड तक को नहीं बताया था जब मैंने फूड लाइसेंस बनवा लिया जोमेटो पे रजिस्ट्रेशन हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए मैं उसमें मैपिंग करने लगी ना मैप में अपना एग्जैक्ट लोकेशन डालने लगी तो वहाँ मैं थोड़ा सा अटक रही थी मुझसे वो, वो स्क्रॉल करके वो एग्जैक्ट लोकेशन पे हो नहीं रहा था तो मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली तो उन्होंने कर दिया उसके बाद कह रही ये है क्या मैंने कहा कुछ नहीं मैंने क्लाउड किचन खोलने का सोचा है और बस हो गया मतलब इतना इंस्टेंट हो गया ना चीज़ कि मैं बता नहीं सकती हूँ पच्चीस तारीख को मैंने आ, फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया छब्बीस तारीख को मेरे पास मेल आ गया उसका और उसके बाद उनतीस या तीस तारीख को मेरा ऑन लाइव हो गया था मतलब लाइव हो गया था मेरा क्लाउड किचन लेकिन मैंने स्टार्ट अक्टूबर के पंद्रह तारीख से किया क्योंकि उस टाइम पे चल रहे थे श्राद्ध तो मैंने कहा श्राद्ध खत्म हो जाएंगे ना उसके बाद नवरात्रे आएंगे तब से स्टार्ट करूँगी तो नवरात्र के पहले दिन से स्टार्ट कर लिया था मैंने तो ये था मेरी कहानी और आप लोगों के सवालों के जवाब बस आई होप मैंने आप लोगों के सवालों के जवाब दे दिए हैं और बाकी अब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ बहुत लंबा ब्लॉग हो चुका होगा वैसे मैंने आज कुछ शूट किया नहीं है लेकिन हाँ तो गाइस बस अब मैं इस ब्लॉग का यही एंड करती हूँ और ब्लॉग को खामोखा फालतू में लंबा नहीं करते हैं अब मैं आपसे मिलूंगी कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर